Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. नमस्कार, स्वागत है आप सबका वाईफाई स्टडी में. वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. आप पढ़ रहे हैं इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन स्टडी चैनल के ऊपर. तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सर्वेइंग की बात कर रहे हैं हम. कल का पीडीएफ अपलोड हो चुका है दोस्त, आप ऐप अपडेट कर लीजिए अगर आपके पास डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो. हाँ जी, इंडिया मैच हार गई तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हार जीत तो चलती रहती है. लेकिन आपने मैच देखा होगा, सबने बराबर कोशिश की. तो सीखने वाली बातें यही है कि इवन इफ अगर हमारी मेहनत अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीत जाएंगे. कोई और भी हो सकता है जो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो. तो निराश नहीं होना है, अपनी मेहनत को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाना है, गलतियों से सीखना है. और बेसिकली अगर बात करें तो मैच मैच क्या है, एक गेम है दोस्त, एन्जॉय करो. पीडीएफ अपलोड हो गई थी दोस्त. ठीक है, सेम वे में आपके साथ होता है ना, आप बहुत मेहनत करते हो किसी एग्ज़ाम के लिए. तो मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता है तो ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ना ही छोड़ देते हो. फिर उससे सीखते हो आपकी कितना कमी रह गई, कहाँ कहाँ कमी रह गई या क्या सिचुएशन हुई थी. तो सेम वे में इंडिया की कोई बात नहीं, हमने वर्ल्ड कप जीते भी तो हैं. टैक्यूमेट्री का पीडीएफ नहीं मिला तो कोई बात नहीं दोस्त, मैं आपको आज कंबाइंड एक बार फिर से प्रोवाइड कर दूंगा आज वाले में, अगर आप कल का किसी रीज़न से आपको नहीं मिल पा रहा है तो. और आंसर की बात है तो अभी तक आई नहीं है ना, कल आएगी जेई की आंसर की, जो सीबीटी वन की है, कल तक आएगी. अभी कहाँ आई है पूरी, अभी चेक किया था. ओके, लेट अस कंटिन्यू दोस्तों. तो आज की बात करें, आज का टॉपिक हमारा है कंटूर्स. कंटूर्स क्या होता है आप सबको पता है, कंटूर्स हमारे क्या हैं, कंटूर्स क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन. हाँ जी, सबको हाय हेलो. हाँ, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे. पीडीएफ के लिए आप लोग इतना क्यों परेशान होते हो? चलिए, तो कंटूर्स हमारे क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन. ऐसे पॉइंट्स हमारे जो भी अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं हम, जिसके ऊपर की हमारे जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने की हम कोशिश करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल कि आप देखिए, यहाँ पे आपके पास कोई एक हिल प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इस हिल के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स तो होंगे जिनका एलिवेशन जो हमारा है वो सेम होता है. तो ऐसी लाइंस जिनकी जो सेम हाइट को रिप्रेजेंट करती है, ये मान लीजिए अगर एच हाइट है, ये भी एच हाइट है. कहाँ से? मीन सी लेवल से. सेम हाइट पे हैं तो इनको हम क्या बोल देंगे, ऐसी लाइन जो इनको ज्वाइन करती हुई जा रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, कंटूर लाइन बोल देते हैं. सो कंटूर्स बेसिकली क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन. एलिवेशन क्या होता है, किसी भी रेफरेंस डेटम से, जीरो लेवल की लाइन से कोई भी हाइट या डिप्रेशन, तो जहां पे इक्वल एलिवेशन आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, कंटूर लाइन बोल देंगे. सीपीएम पार्ट सिलेबस में है बिल्कुल जी.
हाँ जी बिल्कुल सही बताया देवेंद्र जी आपने भी, इमेजिनरी लाइन होती है हमारी कंटूर्स। सो बेसिकली कंटूर्स आर क्या क्या होता है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। कंटूर्स ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, इसलिए आज हम इसको जल्दी से वाइंड अप करके उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे। कंटूर्स के बारे में जितनी जितनी बातें हमसे पूछी जाती है एग्जामिनेशन में या आज तक अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई हैं वो हम आज यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो बात करते हैं एक एक करके। कंटूर जो हमारा है क्या है, बेसिकली लेवल सरफेस का अर्थ के सरफेस के साथ लेवल सरफेस होता है। तो इसके ऊपर मैं अगर यहाँ पे कोई हिल बनाने की कोशिश करूंगा, बफरिंग हो रही है क्या सर? अब बफरिंग नहीं हो रही होगी, अब क्लियर चल रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो फटाफट से बता देता हूं, ये हमारा अर्थ का सरफेस, अर्थ के सरफेस के जो पैरेलल सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस बोलते हैं। तो यहां पे मान लीजिए जो भी अंडुलेशन है, मान लीजिए कोई हिल है, तो इस हिल के ऊपर जहां पे ये सरफेस इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमारा क्या बताएगा, एक कंटूर लाइन बताएगा हमें। क्यों बताएगा, क्योंकि लेवल सरफेस हमारा क्या है, अगर ये हाइट h है तो जहां पे भी इसने इंटरसेक्ट किया है वो सारे पॉइंट्स कितनी हाइट पे प्रेजेंट होंगे, एच हाइट पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि सेम एलिवेशन पे प्रेजेंट है, यानी कि क्या बनाएंगे वो, कंटूर लाइन बनाएंगे। क्लियर? अरे आंसर की आ जाएगी तो क्यों परेशान हो रहे हो, आना तो है ही एक दिन रिजल्ट, तो आंसर की आ जाएगी तो क्या हो गया, सभी के लिए सेम है आंसर की कल आ गई, 10 दिन बाद एग्जाम भी अगर हो गया तो सिचुएशन सबके लिए सेम है, तो घबराना क्यों है। ऐसा तो है नहीं कि आपके अकेले के कान में आके बोलेंगे हाँ जी आंसर की आ गई या 10 दिन बाद आपका पेपर लेने वाले हैं। विक्की सर के दर्शन आप फेसबुक पे कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं, कंटूर लाइन जो हमारी होती है टिप टोपोग्राफी को बताती है। टोपोग्राफी क्या होता है, किसी भी एरिया के जो फीचर्स होते हैं, कोई एरिया जो है वो समुद्र तल से कितना ऊपर है कितना नीचे है, या अलग अलग पॉइंट्स को जब हम बताते हैं तो बेसिकली सारे फीचर्स जो हम डिस्कस करते हैं किसी भी एरिया के वो हमारे क्या होता है, टोपोग्राफी होती है। तो जब हमने टोपोग्राफी की बात की थी तो हम ये बोलते थे कि कंटूर लाइन से हम टोपोग्राफी बता सकते हैं, तो यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पे आज आपको बताया जा रहा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है, अगर कंटूर लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं पानी के नीचे अंडरग्राउंड, अगर हम ड्रॉ करें कंटूर लाइंस को तो हम क्या बोल देते हैं उनको, सबमरीन कंटूर्स बोल देते हैं या फैथम्स बोल देते हैं। ये फैथम वर्ड है, ये एक बार कहीं ना कहीं पूछा गया दोस्त, तो इससे रिलेटेड आप याद रखना, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि कौन से एग्जाम में पूछा गया। फैथम जो होता है क्या होती है, ऐसे कंटूर लाइंस हमारी जो कि वाटर के नीचे जो भी हम कर्व्स बताते हैं। हाँ जी एग्जाम दिया तो रिजल्ट आएगा ही, और पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, मिनिमम 1-2 महीने तो लगने वाले ही हैं। अगर जल्दी से जल्दी भी एग्जाम होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, अगर हमारा एग्जाम जल्दी से जल्दी भी हो जाए ना, 1-2 महीने में भी हो जाए तो भी हम रेडी हैं। आप सिलेबस एक बार उठा के आप मैच करके देख लेना कि हमारा अच्छे खासे पेस पे चल रहा है सिलेबस, तो अगर आ भी जाता है तो भी हम अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे और साथ में रिवीजन के लिए या लास्ट में क्वेश्चंस के लिए भी टाइम रख लेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब फ्लो एकदम मस्त चल रहा है। अब देखो दोस्तों कंटूर लाइंस क्या हमें कहीं पे दिखती है क्या, ये बताओ। आप इस इमेज को ध्यान से देखो, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे ये इमेज आपको क्या दिख रही है, क्या है ये, कोई भी एक वाटर बॉडी है, ओशन बोल लीजिए समुद्र बोल लीजिए, कोई भी एक वाटर बॉडी है उसके किनारे पर जहां पे पानी रुका हुआ है, ये पानी कहां रुकेगा, जहां का एलिवेशन सेम होगा सेम हाइट पे ही तो रुकेगा। जब भी आप पानी को किसी भी सरफेस में ले चाहे तो आप हाथ के अंदर पकड़ेंगे, चाहे कोई आप जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर पानी भरते हैं, चाहे किसी बर्तन में लेंगे गिलास में लेंगे, तो क्या होता है वो पूरा लेवल हो जाता है ना, एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाता है, या मैं ये कहूँ कि जिस सरफेस को वो टच करता है, जिस सरफेस को वो टच करता है वो सारे क्या होते हैं, सेम एलिवेशन के पॉइंट्स होते हैं। आपने अगर पानी रखा किसी बाउल के अंदर रखा तो वो क्या टच करेगा, कुछ इस तरीके से पानी भर जाता है ना, तो यानी कि ये जो हाइट है ये हाइट सारे जो पॉइंट्स होते हैं सेम होते हैं। अगर किसी ग्लास में आपने पानी रखा तो भी क्या होता है, सेम एलिवेशन के जो पॉइंट्स होते हैं वहां तक पानी बिल्कुल क्या रहता है, लेवल रहता है। सेम वे में अगर हम बात करें समुद्र की बात करें अगर, तो यहाँ पे ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये कोस्ट लाइन जो किनारा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक कंटूर लाइन को।
तो ऐसे तो हमारी कंटूर लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी होती हैं, लेकिन अगर एक एग्जांपल हमें देखना हो कंटूर लाइन का, तो वो कहाँ देख सकते हैं हम? जो समुद्र का जो किनारा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक कंटूर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर बात की जाए कि यहाँ का एलिवेशन कितना होगा, तो हम क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल को तो हम रेफरेंस लेते हैं ना, मीन सी लेवल को तो हम क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, डेटम मानते हैं, जीरो वैल्यू मानते हैं। तो यहाँ का जो एलिवेशन है वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसी के रेफरेंस में तो हम बताते हैं ना कोई भी पॉइंट कितनी हाइट पे है या कितने डेप्थ पे है। क्लियर है? हाँ जी, कोस्ट लाइन जो हमारी है क्या रिप्रेजेंट करती है, कंटूर लाइन। चले आगे, नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कंटूर इंटरवल की। कंटूर इंटरवल क्या होता है हमारा, व्हाट इज कंटूर इंटरवल? दो कंटूर्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, कंटूर इंटरवल होता है। कोई भी दो कंटूर्स होते हैं उनके बीच में, उनकी वैल्यूज के बीच में जो वर्टिकल डिफरेंस आता है हमारा, वो क्या होता है, वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं कंटूर इंटरवल। क्लियर? सिंपल वन लाइन में हमसे पूछा जाता है कंटूर इंटरवल इज, फिर आपको चार ऑप्शन देता है, तो कंटूर इंटरवल में आपको कौन सा आंसर सही टिक करके आना है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन जो दो कंसेक्यूटिव, दो साथ साथ वाले कंटूर्स होते हैं उनका जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कंटूर इंटरवल। हाँ जी, वाटर बॉडीज में आउट टू इन, इन टू आउट, उसकी बात करेंगे नीरज जी अभी। सही कह रहे हैं आप। तो जो कंटूर इंटरवल है हमारा बेसिकली क्या होता है, आपको समझ आ गया, कांस्टेंट कंटूर इंटरवल जो है वो हम प्रेफर करते हैं किसी भी मैप के अंदर अगर हम बनाएं तो कांस्टेंट कंटूर इंटरवल हो, ताकि मैप को पढ़ने के लिए हमारी आसानी रहे, पूरे एरिया को जो हम शीट के ऊपर प्रॉपरली स्पेसिफाई कर पाएं, उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो कंटूर इंटरवल है वो हम कैसा रखें, कांस्टेंट रखें, बराबर बराबर रख के चलें। फिर कितना कंटूर इंटरवल लेते हैं, जनरली 1 से 15 मीटर, यानी कि अगर हाइट्स की बात करें हम किसी भी, जैसे किसी हिल को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी लेक को, डिप्रेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, चाहे तो हम किसी हिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाहे किसी डिप्रेशन को, वाटर बॉडी को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि जो कंटूर इंटरवल हम लेते हैं वो कितना ले लेते हैं, 1 से 15 मीटर के बीच बीच का ले लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो हमारे कंटूर्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैंने किसी हिल के ऊपर कोई कंटूर को रिप्रेजेंट किया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि मान लीजिए ये हमारा हिल है, इसका मैं कंटूर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे नीचे वाले यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ मान लीजिए ये 5 मीटर है, फिर यहाँ कुछ पहुँचा मैं, देखिए यहाँ मान लीजिए 5 मीटर है, ऐसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 5, 10, 20 मीटर, 30 मीटर इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो अगर मैं इसकी कंटूर लाइंस ड्रॉ करना शुरू करूं, तो जो सबसे आउटर वाली कंटूर लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस बॉटम सेक्शन को, तो यहां की अगर मैं हाइट लिखूंगा, एलिवेशन लिखूंगा, तो वो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। अब मैं 10 मीटर वाले सेक्शन के करस्पॉन्डिंगली अगर चलूं, 10 मीटर वाले सेक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं चलूं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 10 मीटर लिखूंगा। सिमिलर वे में अगर मैं 20 वाले पे, 20 के करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे बनाऊं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा 20 मीटर, एंड सो ऑन मैं बनाता जाऊंगा। तो यानी कि अगर हिल की बात करें, तो हिल के लिए हमारा जो कंटूर इनवर्ड्स, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे जो कंटूर की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाती है। हाँ जी, इनसाइड जो है वो हायर वैल्यू होती है, आउटसाइड जो है वो कम वैल्यू होती है। क्लियर है? अब एक बात ये बताइए, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि स्मॉलर द कंटूर इंटरवल मोर प्रिसाइजली द टेरेन रिलीफ इज। कंटूर इंटरवल स्मॉल होने का मतलब क्या है, कि अगर मान लीजिए मैंने ये जो वैल्यू लिया यहाँ पे ये जो 5 मीटर 10 मीटर जो आपको वैल्यूज ली हैं, मैं इसकी जगह यहाँ पे 4 मीटर पे भी ले लूँ,
फिर यहाँ पे 3 मीटर पे भी ले लूँ, तो यानी कि मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट के बाद जस्ट मैं जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे मैप के ऊपर, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज डिटेल्स दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्या दे रहा हूँ, प्रिसाइज डिटेल्स दे रहा हूँ, माइन्यूट डिटेल्स दे रहा हूँ, छोटी छोटी डिटेल्स भी यहाँ पे दे रहा हूँ। तो बस इतनी सी बात कही गई है कि जब हमारा जो इंटरवल है वो स्मॉल हो जाएगा तो जो डिटेल्स हैं वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएंगी, इतनी सी बात है बस। बिल्कुल स्टेट पीएससी के लिए प्रकाश जी आप पढ़ सकते हैं, दिस इज सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ जेई एग्जाम्स, इवन सम ऑफ द एई एग्जाम्स एंड द स्टेट एग्जाम्स। क्लियर। अब जो हमारा कंटूर इंटरवल है अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, स्केल पे डिपेंड करता है, पर्पस पे करता है, कैसे? सबसे पहले बात करते हैं स्केल ऑफ द मैप कि अगर हमारा जो स्केल है वो स्मॉल है तो कंटूर इंटरवल, स्केल स्मॉल होने का मतलब हम बहुत ज़्यादा बड़े एरिया का हम क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बड़े एरिया के लिए मैप ड्रॉ कर रहे हैं। स्केल स्मॉल होने का मतलब आपको बताया था ना कि अगर हमारा स्केल जो है 1:2 मान लीजिए 10^5 है तो ये स्केल बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 1/1,000,000 हो गया ऑलमोस्ट, तो स्केल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस केस के अंदर अगर हमारा स्केल लार्ज है तो कंटूर इंटरवल जो हमें लेना पड़ेगा वो भी तो लार्ज ही लेना पड़ेगा, तभी तो हम प्रॉपरली उसके ऊपर वो ड्रॉ कर पाएंगे। क्लियर। तो ये तो बस सिंपल सा पॉइंट है, एग्जांपल है समझने के लिए। फिर पर्पस ऑफ द मैप कि किस पर्पस के लिए हमें चाहिए, किस पर्पस के लिए हमें चाहिए। मान लीजिए छोटा सा कोई एरिया है, कोई छोटी आपको लेक बनानी है, कोई पॉन्ड बनाना है, उसके अंदर आपको एक्सकेवेशन करना है, तो उसके लिए अगर आपको कंटूर इंटरवल बाद में उसका बनाना पड़ेगा तो वो आपको छोटा चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बड़े एरिया के लिए आपको बनाने वाले हैं, बहुत एक मान लीजिए बहुत बड़ी लोकेलिटी के लिए, एक कंट्री के लिए आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो वहाँ पे जो पर्पस है आपका चेंज हो जाएगा, वहाँ पे आपका कंटूर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। नेचर ऑफ द ग्राउंड की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए फ्लैट ग्राउंड है, फ्लैट ग्राउंड में क्या होगा, छोटे मोटे अंडुलेशन होंगे, ज्यादा अंडुलेशन तो होंगे नहीं, फ्लैट मतलब समतल, तो ज्यादा अंडुलेशन मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होगा वो। तो इस केस के अंदर अगर मुझे इसका कंटूर इंटरवल कंटूर ड्रॉ करने होंगे तो उसका जो इंटरवल है कम लेना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो मैं इतनी छोटी छोटी डिटेल्स बता पाऊंगा, वरना क्या होगा, मैं ज्यादा लोकेट ही नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट्स बता रहे हैं आप भी। तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ द ग्राउंड। अगर हमारा अंडुलेटिंग है काफ़ी ज़्यादा, किसी हिली रीजन में आप चले गए, ज़्यादा अंडुलेटिंग है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो कंटूर इंटरवल है वो लार्ज ले सकते हैं। क्लियर। अब देखिए नेचर ऑफ द ग्राउंड में एक बात और वो बता रहा है, फॉर अ स्टीप स्लोप कंटूर इंटरवल इज लार्ज। स्टीप स्लोप का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्लोप। तो अगर मैं यहाँ का कंटूर ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर था, और क्योंकि ये स्लोप जो है बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो अगर मैं यहाँ का स्लोप ड्रॉ करूँ तो यहाँ कुछ हो जाएगा 50 मीटर, यहाँ तक अगर जाऊँ तो 100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मुझे कंटूर इंटरवल की बात आएगी कि जब मैं इसके कंटूर्स ड्रॉ करने शुरू करूँगा तो ये जो मुझे इंटरवल मिलेगा, ये इंटरवल बहुत ज़्यादा मिलेगा इन केस ऑफ स्टीप स्लोप। अगर यही हमारा स्लोप जो है वो ग्रेजुअल हो जाता, ग्रेजुअल स्लोप का मतलब कुछ इस तरीके से कम हो जाता, तो यहां पे जो भी इंटरवल्स मुझे मिलते हैं वो क्या मिलते, कम मिलते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो हमारा यहां पे कम मिल रहा है ना हमें, एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज ऑल अबाउट कंटूर इंटरवल। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टाइम, कि हमें कितना टाइम अवेलेबल है हमारे पास कंटूर्स ड्रॉ करने के लिए। हमारे पास अच्छा खासा टाइम अवेलेबल है तो और ज़्यादा आप कंटूर इंटरवल स्मॉल ले लीजिए और अच्छे से आप इंक्रीज करते रहिए। सो डेफिनेटली कंटूर इंटरवल इज कैप्ट लार्ज व्हेन टाइम इज लेस। तो जब हमारे पास टाइम कम है तो कंटूर इंटरवल लार्ज ले लेंगे, और अगर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा टाइम है, तो कंटूर इंटरवल आप छोटा छोटा लीजिए, छोटी छोटी डिटेल्स एंटर करते रहिए और करते रहिए सर्वेइंग। फंड्स की बात आती है तो वही टाइम से रिलेटेड है कि जितना हमारे पास पैसा है उतना ही तो सर्वे हम कर सकते हैं ना। हमारा जो लेबर है एक लिमिटेड टाइम होगा, अवेलेबल होगा इंजीनियर के पास, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर एकदम बिल्कुल इन डेप्थ आपके वहाँ पे क्या कर रहा है, कंटूर्स प्लॉट करे जा रहे हैं। तो फंड की भी बात आती है कि हमारे पास कितना ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, कितना टाइम अवेलेबल है वहाँ पे देने के लिए, तो उसको हम कर सकते हैं।
हाँ जी चनी जी बिल्कुल सही, अगर आपने इस तरीके से शॉर्टकट से याद कर रखे हैं तो अच्छी बात है। चलिए अब कुछ बातें करते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, ज्यादातर बच्चों को आता है ये लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता। क्लिफ से रिलेटेड बात करते हैं तो अगर, तो व्हेन नो वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इट इंडिकेट्स अ फ्लैट टेरेन। फ्लैट टेरेन अगर हमें दे रखा है तो उसका क्या है, कोई एलिवेशन है ही नहीं किसी के रिस्पेक्ट में, तो कोई वैल्यू नहीं दी होती है। अगर हमें कंटूर्स के अंदर कंटूर अगर हमें बना रखा है और उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब ये जो कंटूर है ये कैसा है, फ्लैट टेरेन है। वैल्यू क्या है, जीरो। सो अ जीरो मीटर कंटूर लाइन रिप्रेजेंट्स अ कोस्ट लाइन। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कोस्ट लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, जीरो एलिवेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा जीरो एलिवेशन वाली लाइन क्या हो जाती है, कोस्ट लाइन हो जाती है। तीसरी बात, कंटूर लाइन जो होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड कर्व होती है, चाहे मैप के अंदर दिखे हमें ओपन दिखे लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, ये क्लोज्ड लाइन होती है, सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई आती है ना, तो ये क्या होगी, ये क्लोज कर्व बोलते हैं हम इसको, चाहे मैप के अंदर क्लोज दिखे या नहीं दिखे लेकिन होती क्लोज्ड है। चलें आगे, नेक्स्ट आता है, टू कंटूर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ क्लिफ और अ केव। क्लिफ क्या होता है, आप गए होंगे, अगर मान लीजिए आप राफ्टिंग करने अगर ऋषिकेश गए हो तो वहां पे क्या होता है, क्लिफ पॉइंट है, या आपने अगर नेशनल ज्योग्राफी देखा है आपने तो वहां पे आपने देखा होगा कि माउंटेन्स के ऊपर क्या होता है, एक ओवरहैंग बना होता है, आउटवर्ड स्ट्रक्चर बना होता है उसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिफ बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक इमेज, इस इमेज को देख के आपको समझ आ गया होगा, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, एडवेंचर्स में देखा होगा, यहाँ पे लोग खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं या तरह तरह का एडवेंचर होता है यहाँ से, ठीक है। तो क्लिफ आपने देखा है ना यहाँ पे, तो बस बेसिकली यही हम समझने वाले हैं कि जो क्लिफ के केस के अंदर कंटूर लाइंस कैसे इंटरसेक्ट कर जाती हैं। हमने हमेशा यही पढ़ा है, टू कंटूर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, क्लिफ के केस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो ये याद तो हम कर लेते हैं लेकिन कैसे कर जाती हैं ये नहीं समझ आता है हमें बस, हालांकि ऑब्जेक्टिव में इतने से काम बन जाएगा, इतना ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कैसे बनता है देखिए एक बार। ये मान लीजिए हमारा क्लिफ है जो कि आपको दिखाया, ये क्या है हमारा क्लिफ, अभिनंदन जी अभी तक क्या पढ़ाया ये, आप YouTube पे जाएंगे, वाईफाई स्टडी के चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में नीचे नीचे RRB JEE CBT 2 टेक्निकल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख लीजिए, 95 क्लासेस हो चुकी हैं अब तक, तो वहां आपको सब दिख जाएगा क्या क्या पढ़ा दिया। तो देखिए यहाँ पे ये आपको क्लिफ दिख रही है, इस क्लिफ के करस्पॉन्डिंग हम हमारे जो कंटूर लाइंस हैं वो ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इस क्लिफ को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया डायग्राम की फॉर्म के अंदर। जब हमने इसको डायग्राम की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिस्पेक्टिव लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं जिसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूं, ट्रेस करने वाला हूं, कंटूर्स ड्रॉ करने वाला हूं। तो मैंने बस अभी कुछ नहीं किया यहां पे, बस इसको ट्रेस कर लिया लाइंस को मेरी ड्रॉइंग के ऊपर। सेप्टेम्बर के आसपास ही प्रोबेबिलिटी है दोस्त, SSCJEE तो सेप्टेम्बर एंड में। तो ये हम देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, इसको प्लॉट कर लिया। अब इसको प्लॉट करने के बाद इन लाइंस के रेफरेंस में ही हम कंटूर ड्रॉ करने वाले हैं, इन लाइंस के रेफरेंस में ही हम क्या करने वाले हैं, कंटूर को ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ से देखिए ये वाला जो रीजन है, क्या ये नीचे है ना, अगर नीचे से मैं हाइट मेजर करना शुरू करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है क्या है इसका, इसकी वैल्यू अगर एलिवेशन की बात करूँ तो कम ही होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी कुछ एलिवेशन मान लिया, अब इसका आप ये जो आपको कंटूर दिख रहा है ना ये कैसे दिखेगा, आप यहाँ पे अगर ऊपर खड़े होकर देखेंगे ना, यहाँ से ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर से आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, ये सारे पॉइंट्स दिखेंगे जो सेम एलिवेशन के हैं। आपने क्या किया, आप गए एक हेलीकॉप्टर के ऊपर, हेलीकॉप्टर से आपने ऊपर से देखा, ऊपर से जब आप देखोगे ना इस सेक्शन को या इस सेक्शन को तो वो सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इस तरीके से दिखा आपको, यानी कि वो पॉइंट्स दिखे आपको जो कि एक सेम एलिवेशन पे हैं। तो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को जब आपने देखा तो कुछ ऐसा दिखा वो। चलिए तो यहां पे हमारा इस तरीके से हो गया। अब मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एलिवेशन था, इस पॉइंट का एलिवेशन मैंने यहां पे कितना मान लिया, 50 मीटर मान लिया। हाँ जी अभी दोस्तों एक बार आपसी बातचीत आप ना बाद में कर लेना आराम से, इवेंट पहले बन जाता है, 10 बजे के बाद इवेंट बन जाएगा, दूसरे इवेंट में आपस में आप बात करना, खूब करना, लेकिन अभी क्लास में मत करिए। तो
देखिए फिर वही होता है, फिर मैं आपके कमेंट्स पढ़ने छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाया करूंगा तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा अपना। इसीलिए जो मीनिंगफुल हो वो चीज़ें आप बोलें, कोई बात नहीं। हालांकि आप ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, कंटेंट रिलेटेड करते हैं, बट स्टिल आप थोड़ा सा देखिए। तो देखो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग भी हमने कुछ और कंटूर ड्रॉ करने की कोशिश की। तो एक बार आप देख लीजिए, ये बिल्कुल रिस्पेक्टिव लाइन्स के साथ साथ आ रहा है, इस लाइन के साथ साथ बिल्कुल। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है हमने, इस सेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो पूरा सेक्शन है एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट किया है हमने यहाँ पे, तो इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें पता है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से तो ऊपर ही है, तो इस पॉइंट का एलिवेशन हमने कितना माना, 50 मीटर जब माना तो इसका इस पॉइंट का थोड़ा और कुछ बढ़ा के मान लेते हैं। मान लीजिए हमने कितना माना, 100 मीटर मान लिया। दो कंटूर लाइंस ड्रॉ होगी, पहला इस सेक्शन के लिए, दूसरा इस सेक्शन के लिए। सिमिलर वे में मान लीजिए हम इस सेक्शन के लिए भी ड्रॉ करें, अगर तो इस सेक्शन के लिए मैं ड्रॉ करूंगा तो देख लीजिए बिल्कुल लाइंस के पैरेलली, ऐसे ही तो हम कंटूर्स ड्रॉ करेंगे ना, बिल्कुल यहाँ पे इस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग, या ये कह लीजिए आपने ऊपर खड़े होकर जब देखा तो आपको ये जो सेक्शन है इन दोनों लाइन्स के करस्पॉन्डिंग, इन लाइन्स के बीच में जो सेक्शन है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि हमें पता है, यहाँ से देखने में भी पता लग रहा है, यहाँ से देखने में भी पता लग रहा है कि ये वाली जो लाइन है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन की जो एलिवेशन है, जो हाइट है, वो इससे ज़्यादा ही है। तो यहाँ को अगर हमने 50-100 माना तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 150 मान लें ना 150 मान ली। अब इससे ऊपर और चले तो ऊपर जो भी पॉइंट्स मेरे आने वाले हैं वो डेफिनेटली क्या आने वाले हैं, इससे तो ज़्यादा ही एलिवेशन होगा। यानी कि जब मैं उनकी वैल्यू एंटर करूंगा तो वैल्यू मैं इससे ज़्यादा ही एंटर करूंगा इस पॉइंट की। कैसे करेंगे अब रिप्रेजेंट, अब अगर मैं इस सेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ सिमिलर वे में, तो इस सेक्शन को मैं कैसे प्लॉट करूंगा, सिमिलर इन दोनों लाइंस के बीच में यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो आप एक बार फिर से देखिए, सेम वे में दोनों लाइंस के बिल्कुल पैरेलल, ये सेक्शन को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रेड कलर में है, रेड कलर में जो है वो किस सेक्शन को, पूरा ये जो क्लिफ वाला पार्ट है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमने इस क्लिफ वाले पार्ट को यहाँ पे एज इट इज ट्रेस करके यहाँ पे लेके आए, तो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, पॉइंट्स अगर जो सेम एलिवेशन में स्क्वायर में है तो स्क्वायर में भी हो जाएगा। ये तो जनरल बात कर रहे हैं ना हम किसी क्लिफ की। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब क्लिफ होगा तो क्लिफ के केस में जो कंटूर लाइंस है वो कैसे इंटरसेक्ट करती हैं। सेम वे में अगर केव होगी तो केव में भी ऐसा ही डायग्राम कुछ बनेगा दोस्त। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ, जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, 200 मीटर, क्योंकि डेफिनेटली इसका एलिवेशन और ज़्यादा ऊपर है इनसे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी कंटूर लाइंस हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन कब करती हैं, जब हमारा केस कैसा हो क्लिफ का। क्लियर है, इसके बाद तो किसी को डाउट नहीं आएगा कि क्लिफ के अंदर कैसे इंटरसेक्ट किया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। टू कंटूर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बात हो चुकी, फिर उसके बाद इक्वली स्पेस्ड कंटूर्स रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म स्लोप। अगर यूनिफॉर्म स्लोप होगा कुछ ऐसा, अगर मान लीजिए यहां पे स्लोप यूनिफॉर्म है इक्वल डिस्टेंस पे, 5 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने पर 5 मीटर वर्टिकल है, 5 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने पर 5 मिनट वर्टिकल चल रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर मैं इसका कहीं पर अगर कंटूर बनाऊंगा तो इक्वल स्पेसिंग दिखेगी या नहीं दिखेगी, यूनिफॉर्म स्लोप मिल रहा है ना मुझे, तो क्या होगा, इक्वली स्पेस्ड कंटूर्स रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म स्लोप। तो यहां पे ये जो स्पेसिंग आएगी, स्पेसिंग डेफिनेटली कैसी आएगी, इक्वली तो आएगी, इक्वल स्पेसिंग ही तो आएगी ना, समझ पा रहे हैं क्यों आ रही है इक्वल, जब स्लोप यूनिफॉर्म है हमारा तो स्पेसिंग इक्वल आती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कंटूर्स दैट आर वेल अपार्ट रिप्रेजेंट्स अ जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप मतलब कुछ इस तरीके से स्लोप बहुत ज़्यादा कम है, तो इस केस के अंदर जो हमारे कंटूर्स हैं वो दूर दूर ही रिप्रेजेंट होंगे। यहाँ पे अगर 1 मीटर है तो यहाँ कहीं जाके आएगा कितना, 5 मीटर, और यहाँ कहीं जाके कितना आएगा, 10 मीटर। तो अगर मैं कंटूर्स ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने पड़ेंगे मुझे, जब मैं यहाँ पे कंटूर इंटरवल जो है वो इस तरीके से रख रहा हूँ, 1 मीटर, 5 मीटर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर मान लीजिए। तो ये भी आपको समझ आ गया, कंटूर इंटरवल्स लार्ज हो जाएंगे जेंटल स्लोप के केस में।
समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो बता दीजिए। समझ आ गया, परफेक्ट। कोचिंग नहीं किए थे तो पढ़ना है तो बस पढ़िए ना, फिर चैट में क्यों ध्यान दे रहे हैं। हाँ जी देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी, अगर आपको कोई हिल लॉक दे रखा है, हिल दे रखा है, तो इस केस में जब हम इसके कंटूर्स ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे कितने मीटर पे, अगर मीन सी लेवल से मान लीजिए 100 मीटर पे है तो इसको मैंने 100 मीटर रिप्रेजेंट कर दिया। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसका मैंने अगर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कंटूर बनाया तो इसको आप बोल दीजिए 120 मीटर। फिर थोड़ा और ऊपर चले तो ये कितने एलिवेशन पे होगा, मान लीजिए ये 130 मीटर पे। तो जैसे जैसे हम इनवर्ड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जो कंटूर की वैल्यू है ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही कह रहा है, अ सेट ऑफ क्लोज कंटूर्स विद हायर फिगर्स इनसाइड एंड लोअर फिगर्स आउटसाइड इंडिकेट अ हिल लॉक। तो ये समझ आ गया, डायरेक्टली यही लाइन लिखी आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो अगर ये समझ आ गया तो वो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ये समझ आ गया ना, हिल लॉक के केस में जैसे आउटर से इन चलते जाएंगे वो वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, यहाँ से आपको दिख रहा है ना करस्पॉन्डिंग डायग्राम जैसे बनाते जा रहे हैं। इसी के केस में अगर हमारा यहाँ पे मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, कोई वाटर बॉडी है, कोई वैली है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर हम, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने जो कंटूर बनाया, यहाँ का मीन सी लेवल से एलिवेशन मान लीजिए कितना है, मीन सी लेवल से अगर आपका इसे एलिवेशन बोलेंगे अगर आप, तो मान लीजिए आपने 100 मीटर है। फिर आपने अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपने कंटूर लाइन बनाई, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कंटूर लाइन बनेगी, अब इस सेक्शन का जो कंटूर, इस सेक्शन का जो एलिवेशन है वो इससे ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे 100 मीटर है तो इसको मैंने कितना बोल दिया, 120 मीटर मान लीजिए। फिर नेक्स्ट सेक्शन हमने लिया, तो सिमिलर वे में ये जो नेक्स्ट सेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कंटूर बनेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इससे ज़्यादा आएगी, इसको 140 मीटर मान लीजिए। तो बस सेम वे में आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो हमारी वैल्यू है, आउटर से इनर हम चल रहे हैं जैसे कंटूर के अंदर, तो वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसीलिए यहाँ पे लिखा इन केस ऑफ डिप्रेशंस, डिप्रेशंस मतलब गड्ढा मान लीजिए, या फिर जो लेक्स होती हैं हमारे, पॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे क्या होती है, वैलीज होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, द फिगर्स आर लोअर फिगर्स आर इनसाइड, लोअर फिगर्स आपको यहाँ पे इनसाइड दिखते हैं और हायर फिगर्स आउटसाइड दिखते हैं। अब समझ आ गया, क्लियर है दानिश जी को समझ आ गया, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, सिंपल सिंपल बातें हैं जो कॉमन सेंस की है, बस कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं आती, तो हम देखते हैं तो आराम से समझ आ जाती है। फिर उसके बाद कह रहा है दोस्त, अ वॉटरशेड ऑन अ रिज लाइन, लाइन ज्वाइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ अ हिल्स, कि अगर मान लीजिए एक सीरीज में यहाँ पे हिल्स चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे हिल्स हैं, इनको ज्वाइन करती हुई जो लाइन होती है ये कैसी होती है हमारी, वॉटरशेड और अ रिज लाइन, लाइन ज्वाइनिंग हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सीरीज ऑफ हिल्स और वैली लाइन। अब वैली लाइन कौन सी है, ये जो इनके बीच में जो जगह बनती है वो क्या होती है, वैली होती है। इनके बीच में जो जगह होती है वो क्या होती है, वैली होती है। तो वैली लाइन जो होती है और ये वाली लाइन जो है एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। वैली लाइन कुछ अंदर की तरफ जाती हुई ऐसे दिखेंगी आपको, तो वैली लाइन और जो वॉटरशेड या रिज लाइन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे। आप देख भी सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं, वैली लाइन क्या हो रही है, इनके परपेंडिकुलर ही तो आएगी। हाँ जी श्रुति जी, आप सही बता रहे हैं, कंटूर स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं दोस्त। अब स्केल आप स्केलिंग तो करेंगे ना, डेफिनेटली स्केल तो जरूरी है, बिना स्केल के आप कैसे बता पाएंगे। चलिए, इरेगुलर कंटूर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अनइवन ग्राउंड सरफेस को, अनइवन ग्राउंड सरफेस को। जा मान लीजिए इरेगुलर कंटूर कुछ इस तरीके से हो गए, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राउंड जो है वो अनइवन है, अनइवन ग्राउंड है। सेम एलिवेशन के पॉइंट जो है हमें एक पर्टिकुलर एक पैटर्न के अंदर नहीं मिल रहा है हमें, तो अनइवन है यहाँ पे कंटूर्स, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इरेगुलर जो आपका ग्राउंड होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। टू कंटूर्स हैविंग सेम एलिवेशन कैन नॉट यूनाइट टू कंटिन्यू, कोई भी दो कंटूर होंगे सेम एलिवेशन के वो कभी भी नहीं मिल सकते हैं, कभी यूनाइट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक हिल यहाँ पे, एक हिल यहाँ पे, अगर अर्थ हमारी यहाँ पे प्रेजेंट थी, ये हमारी क्या थी, अर्थ थी अगर, तो इस अर्थ का जो लेवल लाइन है,
यही तो हमने बोला कि लेवल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारी क्या हो जाती है, कंटूर लाइंस हो जाती हैं। तो ये कंटूर लाइन और ये कंटूर लाइन अगर इसके करस्पॉन्डिंग, ये इनका एलिवेशन क्या है, सेम है ना, इनकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग कंटूर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग तो बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। दोनों का जो एलिवेशन है, जो वैल्यू है, वो सेम है, लेकिन क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या ये दोनों मिल रही हैं, नहीं मिल रही। तो जो दो कंटूर लाइंस है जिनका एलिवेशन सेम है वो कभी भी यूनाइट नहीं हो सकती हैं। समझ आ गया? चलिए इसी तरीके से ये जो एक कंटूर लाइन है इसको मैं दो कंटूर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। कॉमन सेंस वाली बातें हैं दोस्तों, छोटी छोटी बेसिक बेसिक। फिर हाई लाइंग फॉर्म्स, लो लाइंग फॉर्म्स, ये अभी हम बात कर चुके हैं, वैली की बात कर चुके हैं, हिल की बात कर चुके हैं कि वैल्यू जो है हिल के केस में जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, आउटर की ओर जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। लो लाइंग में इसका उल्टा हो जाएगा, सेंटर की तरफ वैल्यू कम होती है, आउटर की तरफ वैल्यू ज़्यादा होती है। सिंपल वे में आप समझेंगे तो आराम से समझ आएगा। ठीक है दोस्त, बढ़े आगे। फिर हमसे एक क्वेश्चन सैडल के बारे में पूछा जाता है, सैडल क्या होता है। रोहतांग पास के बारे में आपने नाम सुना होगा, रोहतांग पास के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो जो भी हमारा लोवेस्ट पॉइंट होता है, जो भी जब भी आप माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो कुछ माउंटेन्स के बीच में एक जो प्लेन सा रीजन आता है, थोड़ा लो लाइंग एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम पास बोलते हैं। तो वो एक क्या होता है, नैरो रीजन होता है, नैरो लैंड होती है, संकड़ा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। एक बार आप गूगल करके देखिए रोहतांग पास, तो आपको एक इमेज से ही आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि पहाड़ों के बीच में जो आपकी क्या होती है, नैरो लो लाइंग लैंड जो होती है, नीचे जमीन जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। सो पास इज अ नैरो लो लैंड पासिंग थ्रू हाई माउंटेन्स ऑन इधर साइड। समटाइम्स दिस नैरो लैंड इज कट बैक बाय स्ट्रीम। जब पानी वहां से बहता है तो वो क्या होता है, वहां पे वो और ज्यादा कटिंग आ जाती है, उसमें और ज्यादा कट आ जाता है, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम कॉल। और यही कॉल जो हमारा है जब बड़ा होता जाता है, हुआ क्या, सबसे पहले तो हमारे पास थे माउंटेन्स, सबसे पहले मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हमारे पास यहां पर माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स के बीच में जो जगह है ना उसको हमने क्या बोल दिया, पास बोल दिया। लो लाइंग लैंड एलिवेशन पे नहीं है, नीचे है, लेकिन आसपास इसके पहाड़ हैं, तो उसको हमने पास बोल दिया। इस पास के अंदर जब यहां से पानी फ्लो करना लग जाएगा, जब पानी फ्लो करेगा तो यहां पे कट आ जाएगा, कट्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो यहां पे जो चीज बनेगी उसको हमने क्या बोला, उसको हमने क्या बोल दिया, कॉल बोला। हाँ जी हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल उसको हमने क्या बोला, कॉल बोल दिया। और वो जो कॉल है, जब वो कॉल हमारा जो क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कॉल बन गया, इस कॉल के अंदर और पानी अगर फ्लो करता रहे तो ये ब्रॉड हो जाएगा, और ज़्यादा इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, सैडल बोल देते हैं। तब हम उसको क्या बोल देते हैं, सैडल बोल देते हैं, जो आपको इस डायग्राम के अंदर कुछ इस तरीके से आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से बस ब्रॉड हो जाता है वो रीजन, तो हम क्या बोलेंगे, सैडल बोलेंगे। इसी को अगर हमने रिप्रेजेंट किया कंटूर्स की फॉर्म में, तो इस लाइन को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो बीच का सेक्शन जो आपको रेड लाइंस में ये जो क्रॉस्ड दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या हो गया, सैडल हो गया। तो सैडल के बारे में ये पूछा जाता है हमसे। ठीक है, फिर आपसे ये दो छोटी छोटी डेफिनेशन है आपकी। एस्क्रेपमेंट क्या होता है, हाई लैंड हैविंग फ्लैट नैरो टॉप। हाई लैंड होती है जिसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, नैरो टॉप विद स्टीप स्लोप ऑन वन साइड एंड जेंटल स्लोप ऑन अदर साइड इज नोन एज एस्क्रेपमेंट। ऐसी कुछ लैंड होती है, एक साइड तो स्टीप स्लोप होता है और दूसरी साइड जेंटल स्लोप होता है, और यहाँ पे जो रीजन होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एस्क्रेपमेंट। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कंटूर से रिलेटेड, तो इतने सारे अभी जो सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, सैडल क्या होता है ये क्वेश्चन आ सकता है, एस्क्रेपमेंट क्या होता है ये क्वेश्चन आ सकता है, कोल क्या होता है आ सकता है, पास क्या होता है आ सकता है, कंटूर जो आपको ऐसे ही बनाया आपको हो सकता है अगर डायग्राम में दे दे तो ऐसे बता सकता है।
अगर आपको सिंपल से सिंपल उसने पूछना हुआ नॉलेज चेक करने के लिए, तो आपको दे देगा कि ये कंटूर बना हुआ है, इसकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से है, यहाँ की वैल्यू है 150, यहाँ की वैल्यू है 100, यहाँ की वैल्यू है 50। तो बताइए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हिल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है वैली को, फटाफट बता दीजिए। डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसको, बताइए बताइए फटाफट। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर वैल्यूज आपकी ज्यादा है, इनर वैल्यू कम है। क्या हुआ जल्दी से बताओ, आशीष जी ने बताया सबसे पहले, उससे पहले शालिनी जी ने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, ब्रिज बिहारी जी, विजय गुप्ता जी, रजत जी, चनी जी, अरे वाह, आप सबके आंसर एक साथ आ रहे हैं। आंचल जी, गौरव जी, सिमरन जी, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। संदीप शर्मा जी, आपने सही बताया, कंटूर के ज्यादा क्वेश्चन करवा दें, कंटूर के मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए, लेकिन जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब करवा दिया, कंटूर से रिलेटेड अब तक जेई में जो पूछा है सब दोस्त इसमें इंक्लूड कर दिया आपको। क्लिफ क्या होता है आपका, क्लिफ अभी अभी बात की थी बस दोस्त, दोबारा नहीं बात करेंगे, सेम चीज दोबारा लिखी हुई है इसमें। सबसे पहले फटाफट बता दीजिए सबटेंस बार क्या होती है, क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 12-13 मिनट तो है ही अपने पास, फटाफट आंसर बताइए, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। फटाफट क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बता दीजिए, सबटेंस बार जो हमारी होती है कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, कल जो हमने टॉपिक किया था सबसे लास्ट वाला सबटेंस बार ही था। सिमरन जी ने बताया है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, हाँ जी बिल्कुल, सबस्टेंस बार हमारा कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जब भी हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी होती है अनड्यूलेटिंग एरियाज के अंदर, तो वहां पर हम कैसा यूज करते हैं, सबस्टेंस बार, बिल्कुल सबका करेक्ट आंसर। मधु जी एक बार आप प्लीज एक थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए, या आपने थोड़ा ध्यान से ऑप्शन नहीं पढ़ा होगा। शर्मा जी आप भी कर लीजिए, हाँ जी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ऐसी कुछ सबस्टेंस बार आपको दिखती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेंड बाय टैक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन, टैक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन से जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, क्या उसके अंदर हमें स्लोप की रिक्वायरमेंट, स्लोप करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्या उसके अंदर टेंशन करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, या स्लोप टेंशन दोनों, या फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो पहली एक बात ये बताओ कि जो टैक्योमेट्रिक हमारे जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो कैसी ऑब्जर्वेशन होती हैं, वो होती हैं हमारी ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन। क्या हमने उसके अंदर कोई चेन या टेप का यूज़ किया, क्या हमने किसी चेन या टेप को पकड़ के खींचा जिसके कारण उसके अंदर टेंशन का करेक्शन हमें लगाना पड़े, क्या उसके कारण कोई सैग आया, या हमने किसी एंगल पे उसको पकड़ के देखा कि जिसके कारण हमें स्लोप का करेक्शन रिक्वायर करना पड़े, रिक्वायरमेंट हो हमें, बिल्कुल नहीं, कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया हमने। तो इसके लिए ना तो हमें स्लोप की आवश्यकता है, स्लोप करेक्शन की, ना ही टेंशन करेक्शन की आवश्यकता है, लेकिन अगर आवश्यकता कभी पड़ेगी तो किसकी पड़ेगी हमें यहाँ पे, आप क्योंकि ऑप्टिकल मेजर यूज कर रहे हैं, जब ऑप्टिकल मेजर आप यूज कर रहे हैं तो आपने क्या किया होगा, आपका टैक्योमीटर जो होगा वहां से आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो इसके अंदर जब आपने यहां पे ये रे ऑफ लाइट आपकी गई, रे ऑफ लाइट यहां से निकली, तो किस किस चीज के कारण आपका जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो यहां पे स्लोप की बात कर ली नहीं होगी जरूरत, टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है मेरे दोस्त, रिफ्रैक्शन नाम की भी चीज होती है, उसका तो इफेक्ट लेना पड़ेगा ना, और जब रिफ्रैक्शन आएगा तो हमारा अगर अर्थ का सरफेस आ रहा है तो उसका कर्वेचर भी आएगा, तो उनका करेक्शन तो लेना पड़ेगा ना हमें, तो बस उनकी जरूरत पड़ेगी अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इन स्टेडिया डायफ्राम इज, स्टेडिया डायफ्राम के अंदर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल वायर्स कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट, ऐसा कुछ दिखता है, अभी 11 सेकंड है, चलो देखो दोस्त, आरआरबी जेई के अंदर सीबीटी 2 150 क्वेश्चन होंगे, टाइम कितना होगा 120,
150 क्वेश्चन होंगे, टाइम कितना होगा 120 मिनट। एवरेज टाइम जो आपके एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है ना, वो कितना है आपके पास, 48 सेकेंड्स है। तो जब हमें तैयारी करनी है ना, तो हमें क्या रखना होगा यहाँ पे, 30 सेकेंड्स। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर 30 सेकेंड में दे पा रहे हो, मतलब एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लास्ट में 15-20 मिनट बचा ही लोगे अपने लिए। तो इसी तरीके से दोस्त आगे बढ़ते जाइए, आप कोशिश करिए कि यहाँ जो टाइमर लगा होता है आप उस टाइमर के अकॉर्डिंग आंसर्स दे पाएं। तो आपको पता है ये हमारा स्टेडिया डायफ्राम होता है, एक होता है सेंट्रल हेयर, एक अपर, एक लोअर। कितना हो गया नंबर 1, 2, 3, आंसर क्या आ गया? बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट, सभी का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ द इंटरसेप्ट ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व्ड एज, इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें दे रखी है 0.75 मीटर फ्रॉम अ टैक्योमीटर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टैक्योमीटर एंड द स्टाफ स्टेशन इज। अब इतने ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, टैक्योमेट्री पढ़ी थी, टैक्योमेट्री में एक आधा ही बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये तो हमें समझ ही नहीं आएगा, पता नहीं क्या पूछ लिया, डिस्टेंस पूछ लिया, टैक्योमेट्री जैसा भारी सा वर्ड डाल दिया, एक फॉर्मूला ही तो पढ़ा था। अगर हम बात करें हमारी वर्टिकल एक्सिस से या फिर इंस्ट्रूमेंट से, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व एट 0.75 मीटर फ्रॉम अ टैक्योमीटर। वर्टिकल स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एस की वैल्यू, यानी कि एस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.75 मीटर दे रखी है आपको। एक फार्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, फटाफट बता दीजिए क्या यूज़ करेंगे। फोर्थ का डी आंसर बता दिया है मयंक जी ने, बिल्कुल सही। शैलेंद्र जी, अंकित जी, अभिनंदन, रजत, बिल्कुल परफेक्ट, प्रफुल्ल जी, सिमरन, मोहम्मद कोहली जी, बिल्कुल सही, शानदार। D इज इक्वल टू किसके बराबर, के एस प्लस सी। सी क्या होता है हमारा, सी कौन सा कॉन्स्टेंट होता है, एडिटिव कॉन्स्टेंट होता है, टैक्योमीटरी के लिए कितना होता है, सी की वैल्यू कितनी होती है, 0। के की वैल्यू कितनी होती है, 100। एस की वैल्यू 0.75। आंसर क्या आ गया, 75 मीटर। D इज इक्वल टू के एस प्लस सी, अहमद अदनान जी, बिल्कुल सही, शानदार। गौरव, ज्योति, मधु, रवि, आरपी सिंह जी, मयंक चौधरी, बिल्कुल बढ़िया। बस दोस्त ऐसे ही चलते जाना है, आराम से क्लियर होगा, बस सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये रिक्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं कल हमने क्या पढ़ा था, वर्टिकल एक्सिस से हमारा जो डिस्टेंस है, ये जो कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी की बात हो रही है, स्मॉल डी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कैपिटल डी जो हमारा डिस्टेंस है वो आपको पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, के एस प्लस सी। के की वैल्यू आपको दे रखी है, 100 हो जाएगी, और सी की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ टैक्योमीटर एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट्स रिस्पेक्टिवली आर, एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट कितना होता है, फटाफट बता दीजिए। और ये 4.75 सेंटीमीटर किसने क्या आंसर दिया, पुष्पेंद्र जी आप क्या बता रहे हैं, अच्छा फोर्थ का 75 यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर नहीं होगी ना, सर्वे कितने दिन चलेगा। रोहिणी जी अगर आप बोले तो आज ही सब फाइनल कर देते हैं। अब जो सर्वे के अंदर टॉपिक बचे हैं दोस्त, वो टॉपिक्स हैं जो कम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अपन छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, अपन सब कवर कर लेंगे। जैसे कि आपका देखिए एस्टीमेट में आता है एक आपका एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, वो ज़्यादातर सर्वे में नहीं पढ़ाते हैं। कर्व्स आता है, कर्व सर्वे के अंदर नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग बता दीजिए, अगर आपको नहीं पढ़ना तो हम छोड़ देते हैं, कल नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू कर लेंगे, अगर पढ़ना है तो सब कवर कर लेंगे। बिल्कुल, एडिटिव कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है, 100 होता है। ऐसे क्वेश्चन जो बच्चा गलत करके आएगा वो पहले से एग्जामिनेशन सेंटर बता के जाएगा कि वो कहाँ एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप्स आर फिटेड, क्रॉस हेयर को हम कहाँ लगाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के अंदर पहले, क्रॉस हेयर्स कहाँ लगाते हैं, फटाफट बताइए। प्रीतम जी कह रहे हैं कर पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ाएंगे।
प्लस के अंदर संगमित्रा जी अभी शुरू करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक शुरू होगी नेक्स्ट क्लास में। हाईवे कंप्लीट हो गया, स्टील कंप्लीट हो गया वहां। डी इन फ्रंट ऑफ आई पीस, बिल्कुल सही, सबका करेक्ट आंसर। कहां लगाते हैं हम उसको? आई पीस से पहले क्रॉस हेयर को लगाते हैं दोस्त, आपको पहले भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे, आपको याद रखना है ये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द आई पीस। क्वेश्चन नंबर 7, एन एनालिटिक लेंस इज प्रोवाइडेड। इन एनालिटिक लेंस की बात हुई थी, तो एनालिटिक लेंस हमने सिर्फ टैक्योमेट्री के अंदर पढ़ा था, अभी तक सर्वेइंग में इससे पहले तो हमने बात नहीं की एनालिटिक लेंस की। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको फिर यही कंफ्यूजन हो जाती है, अगर आपने पढ़ नहीं रखा ना तो आपको यही लगता है ये क्वेश्चन कौन से का, पहले तो आपको यही नहीं समझ आता कौन से सब्जेक्ट से है, फिर आप ऑप्शन देखेंगे, अच्छा थियोडोलाइट टैक्योमीटर इनके अंदर है, फिर समझ आएगा कि हाँ इससे रिलेटेड है, कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने जो एनालिटिक लेंस लगाया? सेवेंथ का बी होगा, ठीक है मान लेते हैं आप कह रहे हैं तो दोस्त बी मान लेंगे। सेवेंथ का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टैक्योमीटर के अंदर प्रोवाइड करते हैं। बात आती है जो एनालिटिक लेंस होता है ये हम एडिटिव कांस्टेंट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, और दूसरी बात कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कैसा क्या होता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कल किसी एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जिसको ऑब्जेक्ट क्लास और आईपीस के बीच में हम फिक्स करते हैं, जिससे कि हमारा जो एडिटिव कांस्टेंट है वो हट जाए। चलें आगे, सबको समझ आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा बता दीजिए, फटाफट दो क्वेश्चन और करेंगे, 10 तक तो पहुंचे एक अच्छा सा नंबर लेके। मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इज, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट क्या होता है? मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट क्या होता है? एफ प्लस डी होता है, एफ बाई डी होता है, F by I होता है, क्या होता है बताइए। बताइए फटाफट, F by I बिल्कुल सही, 8th का करेक्ट आंसर D सही बताया आप सभी ने, बिल्कुल सही। चलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाइए, एक बार फिर से याद कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एफ बाय आई 100 वैल्यू होती है टैक्योमीटर के लिए, और एडिटिव कांस्टेंट सी इज इक्वल टू एफ प्लस डी होता है, वैल्यू होती है 0। द डायफ्राम ऑफ अ स्टेडिया थियोडोलाइट इज फिटेड विद टू एडिशनल, क्या एडिशनल यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल हेयर यूज करते हैं, वर्टिकल हेयर यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यूज करते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, आपको डायग्राम बना के भी दिखाया था, कौन सा यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल हेयर्स, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारा टैक्योमीटर है उसके लिए हम कौन कौन से करेक्शन यूज करते हैं, रिफ्रैक्शन के लिए और कर्वेचर का करेक्शन हम यूज करते हैं। जैसा आपको बताया उसके अंदर हम कोई टेप नहीं यूज कर रहे हैं, जिसको खींचा नहीं जा रहा तो टेंशन भी नहीं आ रही, उसको हम टेप से मेजर नहीं कर रहे तो कोई स्लोप का करेक्शन भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में विजन के थ्रू जो जो हमारे एरर्स आएंगे, रिफ्रैक्शन आएगा, दूसरा कौन सा, कर्वेचर जो अर्थ का आ रहा है वो। सो 10 क्वेश्चन 10 मिनट में कर लिए हैं, और वो भी हमने डिस्कस करके किए हैं। तो दोस्तों अगर आप वहां पे एग्जाम के अंदर करके आएंगे, इसी पेस में इसी स्पीड से चलेंगे, तो डेफिनेटली सफलता आपके हाथ लगेगी। जितने सब्जेक्ट्स अब तक पढ़ा दिए गए हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए, उनके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करते रहिए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है, कल आंसर की आ रही है, एक महीने में एग्जाम हो रहा है, कभी भी वैसे तो होगा नहीं एक महीने में, टाइम लेगा अभी, आरआरबी टाइम लेगा, ऐसे नहीं होगा एकदम से, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, आराम से एकदम चिल करके चलिए, जितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं वो आराम से आप पढ़ते जाइए। आरपीएससी की बात करें या डिफरेंट टाइप के जो आपके एग्जाम्स हैं वो भी आने वाले हैं, तो आप सभी के अंदर काम आएगा ये आपका कंटेंट, तो रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए, पॉजिटिव रहिए अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, कीप लविंग वाईफाई स्टडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हम कैसा कर रहे हैं, और कोई आपके सजेशंस फीडबैक्स हों तो वो भी ज़रूर। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ अभिषेक सर, थैंक यू सो मच।